नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश गुना एयर स्ट्रिप पर टू सीटर एयरक्राफ्ट 152 दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये रविवार 11 अगस्त को दोपहर 1 बजे करीब टेस्ट फ्लाइट के लिए उड़ा था और करीब 40 मिनट उड़ने के बाद एयरक्राफ्ट परिसर में ही क्रैश हो गया। आशंका है कि यह हादसा इंजन फेलियर की वजह से हुआ है। इस हादसे में कैप्टन वी चंद्र ठाकुर और पायलट नागेश कुमार घायल हैं। मौके पर कैंट पुलिस सहित एकेडमी के अधिकारी मौजूद हैं। टेस्टिंग और मेंटेनेंस के लिए ये एयरक्राफ्ट लाया गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये विमान मध्य प्रदेश एविएशन का नहीं है बल्कि कर्नाटक के बेलगावी एविएशन का है। इसे टेस्टिंग के दौरान मेंटेनेंस के लिए यहाँ लाया गया था। दोनों पायलट हैदराबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दोनों शनिवार को ही गुना आए थे। कैंट थाने के TI ने बताया कि दोनों पायलट को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत खतरे से बाहर है। हालांकि रिपोर्ट्स की माने तो बताया जा रहा है कि प्लेन क्रैश होने के पीछे एक कारण प्लेन का फिसलना भी हो सकता है। कैंट थाने के TI दिलीप राजौरिया ने बताया कि एक पायलट पूरी तरह से ठीक है, दूसरे को सिर में चोट लगी है। उसे निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है और सिर में टांके भी लगाए जा सकते हैं। आपको बता दें, इसी तरह का एक और हादसा 6 मार्च 2024 को भी हो चुका है। ये हादसा भी गुना में ही हुआ था। उस वक्त नीमच से एक पायलट ने उड़ान भरी थी और करीब 300 किलोमीटर दूर आकर उसका प्लेन क्रैश हो गया। रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई थी कि इंजन फेल होने के कारण ये हादसा हुआ है। गौरतलब है कि इसमें भी ट्रेनी पायलट को गंभीर चोटें आई थी। और अब एक बड़ा हादसा मध्य प्रदेश के गुना एयर स्ट्रिप पर टू सीटर एयरक्राफ्ट का हो गया है जिसमें दो पायलट घायल हो गए हैं। हालांकि दोनों खतरे से बाहर हैं। 12:30 बजे की घटना है। 152 एयरक्राफ्ट एक विमान था जो सुबह लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया है। उसमें दो कंप्लीट पायलट थे, दोनों घायल हो गए। उनको उपचार के लिए संजीवनी हॉस्पिटल एडमिट किया गया है और अभी वो स्वस्थ है। सर, एक विमान का पता चल पाया किस तरीके से इसका संतुलन बिगड़ गया, कहाँ की घटना है? अभी एयर स्ट्रिप जो टीम है गुना की, उनको ये द्वारा बताया जा रहा है कि इंजन में खराबी के कारण ये घटना हुई है। अभी तो यही कारण सामने आ रहा है कि इंजन में कोई ना कोई खराबी हुई है, तो लैंडिंग के दौरान ही क्रैश हुआ है।